हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। तो अभी हुए हैं 4:30। आज हमारे घर पे आए थे लाबू काका, जो उनको अहमदाबाद में शादी इसलिए आए, तो उत्तम भाई उनके साथ गए। एंड अभी गांव से वो हमारे खेत से मक्का ही लाए हैं। तो ये देखो, यहाँ पे छेवड़ा बनाने के लिए बैठ गए। मतलब छेवड़ा बोलते हम लोग, ये क्या बोलते हैं तुम धार्मिक, तुम क्या बोलते हो? मकई का चेवड़ा। मकई का चेवड़ा थोड़ा होता है, ममरा का चेवड़ा होता है। मकई का भी होता है, तो ये थोड़ा कड़कड़ होता है, खाते हैं तो। कड़कड़ हो या ना हो, बड़बड़ तो अरे रे, ऐसा नहीं होता है धार्मिक। इसको और हम यूटिलाइज कर सकते हैं। किसमें? इसमें इसमें है ना, जूस होता है। देखो ऐसे ऐसे करेंगे ना, मैं सिखाती हूँ। मैं ना ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो देखो ये सब जूस निकल जाता है। इतना चिकना नहीं होना है, मक्खी जूस ऐसे। देखो ऐसे, तो देखो ये मेन माल होता है, यही तो खाने का मजा आता है। उसके साथ फीफा भी निकल जाता है, वो फीफा फिर खाते हैं ना, तो गोदड़ा जैसा लगता है। मोटे में गोदड़ा आ गया ऐसा लगता है। वो चावते जाओ पर उसमें से कुछ निकलता नहीं। तो चलो छोड़ दो, तुम जैसे करते थे वैसे ही करो, आप जैसे करते थे ना वैसे ही करो। ओके, रंग बिरंगी मकाई है। देखो इलाहा, ये कलरफुल मकाई है। रंग बिरंगी नहीं बोलते, वो तो गुजराती में बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलरफुल। नहीं नहीं, हम हिंदी भी वो ऐसे पट्टी लगा के बोल देते हैं, रंग बिरंगी तो हिंदी हो जाता है। हाँ, वो बात तो है, गुजरातियों की खासियत वो है। हमें है ना इंग्लिश बोलना, अगर एक बार बोलना पड़े तो बोल सकते हैं, पर हिंदी बोलने में तो लोचा हो जाता है, उसमें श्वास भर जाता है, बांधा नहीं, फाफा पड़ जाता है। गुदरा चावे करेंगे तो तो दांत मजबूत हो जाएंगे ना, जड़बा भी मजबूत हो जाएगा। दोनों बच्चे सो जाते हैं, तो थोड़ी देर ऐसा लगता है कि हाँ शांति से बैठेंगे या रील देखेंगे या रील बनाएंगे। हमें तो वो भी टेंशन होती है कि रील में कुछ खास कंटेंट बनाना है, कितने व्यू आएंगे, लोग देखेंगे, शेयर करेंगे। तो ये मेरे हस्बैंड मुझे एक मिनट फ्री नहीं बैठने देते। आज पूरे दिन से मैंने फ़ोन नहीं टच किया था, कुछ नहीं किया था। अभी 4 बजे ध्यानम सोया, तो मैंने जैसे फ़ोन में हाथ में लिया, तो बोलते हैं कि चलने मकई का चिवड़ा बनाते हैं, चलने मकई का चिवड़ा बनाते हैं। तो फ्री बैठी बना तो मेरा फिर भी, तो चलो वो कटिंग करे, फिर भी बोल रहे कि यहाँ पे बैठे। अभी मैं वहाँ पे फ़ोन में एक रील बनाने का सोच रही थी, बहुत बढ़िया वाली। तो अब वो टाइट फीस हो गई, और फिर रील बनाने में कंटेंट सोचना पड़ता है कि ऐसा करूँ वैसा करूँ। ट्रूथ वाला कंटेंट, मतलब जो रियलिटी लाइफ स्टाइल, मतलब उसके बेस पे बना रही थी। बट अभी वो मेरा ठुस, अभी वो 2-3 दिन लग जाएंगे, पता है तुम्हें। आप लोग एक बार इसकी रील देखना, इसमें कितना सोचा हुआ कंटेंट बता। अरे मुझे टाइम नहीं मिलता है, कितना पता है। एक रील अभी ध्यानम की, मैंने एक लास्ट ध्यानम स्वर्ल्ड करके मैंने उसका इंस्टाग्राम बनाया, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कांट बिलीव, ना मुझे मिला इतना अच्छा, ना श्रीनिधि स्वर्ल्ड में मिला इतना अच्छा, ध्यानम को मिल रहा है। अभी मैंने 1.5 महीना हुआ, उसको 5,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं अभी इंस्टाग्राम में। तो अभी आप देखना, ऐसे ही थोड़ी फॉलोअर बढ़ते हैं। वो 3 दिन में मेरी लास्ट रील अभी मैंने रखी ना, वो 3 दिन के बाद बन पाई है। वो 3 दिन में मुझे इतना इतना टाइम मिलता है, तब जाके मिली बनी है, पता है।
गुज्जू पुन्नम की रील देखना, उसमें कितना दिमाग लगा के बनाया है वो बताना फिर कमेंट में। ए जाने दिमाग लगा थोड़ी रील बने बात करे। तो आज हमारे मास्टर सेफ है धार्मिक, छोड़ बढ़िया तालिया तालिया तालिया, धार्मिक छोड़ बढ़िया तालिया 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 तालिया। अब समझे तुम, मैंने वो नहीं बोला, मैंने क्लैप को बोला, क्लैप क्लैप क्लैप। अब इसको लो फ्लेम, अच्छा अभी नमक डाल दे दे, फिर लो फ्लेम में इसको कवर कर देना है और कुछ नहीं। वो जो कलरफुल वाला डोडा था ना डोडा, वो ऐसा इसमें ऑरेंज दिख रहा है, वरना तुम तो बहुत बढ़िया से बना रहे हो, बहुत अच्छे से बना रहे हो। यस ऑन है अब है ना, धीमे गैस पे अपने आप चढ़ जाएगा। तू यहाँ पे चढ़ गई वैसे? हाँ मैं तो ऐसा ही करती हूँ, इधर ही चढ़ जाती हूँ। पूनम देखो यहाँ पे चढ़ गई, वैसे वो तुम्हारा चेवड़ा भी चढ़ जाएगा। समझी कि नहीं समझी? समझे समझे कि नहीं समझे? समझे महामत्य। आओ अभी यहाँ पे जो कचरा है वो भरने के लिए, मैंने बोला मैं जाती हूँ डस्टबिन लेने, बट ही सेड, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं लेके आ जाता हूँ। तो मैं जब श्री जितनी बच्ची थी ना, तब एक मूवी आया था गुजराती में, वो बोलने का मन हो रहा है, बोलो क्या होगा, याद करो तुम, गुजराती में ऐसा मूवी आया था, ओहो ब्लैंक सारो ब्लैंक मारो ब्लैंक, बोली दू मैं मारो पति सारो, ओहो केटलो सारो मारो वर। ऐसा एक मूवी आया था गुजराती में, वो स्नेहलता है ना, स्नेहलता जी, उनका मूवी था, नरेश कनोडिया जी और स्नेहलता जी का, ओहो केटलो सारो मारो वर ऐसा कुछ था। तो तब तो बहुत हंसी आती थी और अभी भी आती है, ये जो वर आता है ना, तो हस्बैंड को तो गुजराती में वर ही बोलते हैं, बट ऐसे नॉर्मली बोलने में थोड़ा वो लगता है ना, वर बोलते हैं, कैसा लगता है धार्मिक, कैसा लगता है वर बोलते हैं तो? वर 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 नॉर्मली लगता है, नॉर्मली लगता है, ठीक है। तो वो ही मैंने आपको बोला, ओहो हो अब तो और भी अच्छा, ओहो केटलो सारो नहीं क्या गायब हो गया, ओहो केटलो सारो 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 बहुत सारो ऐसा लगा देना चाहिए अब तो। वो देखो झाड़ू झाड़ू और क्या गई सुपड़ी लेके आ गए, क्या अरे इधर है तुम छुपा के शर्मा क्यों रहे, देखो मैं वो बोली ना तो इधर छोड़ दिया उन्होंने, और वो लेके ये सफाई करने वाले थे। अब शर्मा मत, सबको पता ही है कि मैं बहुत काम करवाती हूँ सबसे, सब कमेंट में यही लगते हैं कि तुम तो सिर्फ आराम करती हो और बाकी घर में लोग है वही काम करते है। अच्छा मेरा काम दिखता नहीं है, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ ना तो मेरी कोई शूटिंग नहीं करके देता है, वरना मुझे भी एक मिनट का टाइम नहीं मिलता, और मुझे मेरे YouTube, Facebook सब चालू रखना है, तो मुझे तो शूटिंग करना पड़ेगा ना, तो मेरा शूटिंग तो कोई नहीं लेके देता है, तो क्या करेंगे। तो सब लोग मुझे ऐसे, कोई कोई लोग होते हैं ना वो कमेंट में ऐसा बोलते हैं, तो ठीक है बोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है मुझे पता है ना मैं कितना काम करती हूँ, है ना है ना। अब है ना ये नमक भी डाल देना, अब नींबू डालना होता है इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, और थोड़ी सी चटनी अगर डालनी हो मिर्ची पाउडर तो नहीं ना, तो एक दो दाना फिर टेस्ट कर लेने का, बट थोड़ी देर के बाद बन जाएगा कंप्लीट। हाँ मारे लींबू नो अथाणु बनाव छे, 1 किलो लींबू लईने भरी देवा। ओके
થઈ ગયું છે ને, સેજ મીઠું સેજ લીંબુ નાખવાનું મન થાય કે આખું લીંબુ નાખી દીધું, જરૂર હોય તો જ નાખ્યું, નહીતર ઓછું મસાલા વાળું ભાવે તો મને તો વાંધો નથી, મીઠું સેજ ઘટે ને. कैसा लगता है खुद से बना हुआ खाना? ये दूसरा राउंड अकेले अकेले दाब रहे मैं तो ज्ञानम को सुलाने को गई थी और वो ये दूसरा राउंड दाब गए. तो श्री फाइनली उठ गई है. श्री आपके हाथ का अब कैसा है? नहीं अड़ना, नहीं अड़ना, दुखता दुखता है, नहीं अड़ूंगी बस बेटा, बट कल तो ठीक हो जाओगी ना? पता नहीं. तो अभी श्री को है ना आज ओपन शर्ट पहना है क्योंकि ये हाथ बहुत दुखता है. तो अब मैं उसका कुछ DIY कर रही हूँ. ये श्री का शर्ट है, मतलब उसके पापा का शर्ट ये ब्लू है, तो ये श्री के साइज़ का मैं एक शर्ट बना रही हूँ. तो मेरा काम बहुत ईजी हो गया है. इसके कॉलर और ये कॉलर की साइज़ सेम है, तो बस मुझे यहाँ से ऐसे कटिंग करके ये एक बनाना है. तो ये सब रेडी किया है सामान, अब मेरा ध्यानम भाई जितना हमें सपोर्ट देता है उस हिसाब से बनेगा. तो हाय फ्रेंड्स, तो मेरा एक नया शर्ट बन रहा है, वो है मम्मी कर रही है, चलो देखते हैं. ये देखो नीला शर्ट दिखा, ये इसका शर्ट बना रही है, पर वैसा करा नहीं होगा, अभी सब साइज भी सेम टू सेम और जैसा है वैसा बनेगा. देखो ये कटर, मम्मी कटर कर रही है अभी बॉडी. तो श्री का शर्ट किस में से बन रहा है? ये ब्लू पापा के शर्ट और ये श्री का है. तो पापा ने बोला अब ये मुझे नहीं पहनना है, है ना? गली गली का खुदता हो सक. पापा कोई बोल लो, गली गली होती थी खुदता था पापा. आ सरबत अपने गली बोले वायर बोलो गली जो YouTube पापा जो हा? तमने असल में गली था देखते आसन में तमने गली था थी कि सु था तू तू है ई नानो पड़तो तो है नानो पड़तो तो की दैट मींस पापा गेन वेट. पापा कोई जाड़ा थे गया पापा जाड़ा शर्ट जेवो जेवरो. तो श्री તો આજે રામ ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ ઘરમાં બી થોડો થોડો ચાલે છે, એટલો બધો બચ્ચાઓના કારણે માહોલ નથી મળતો, એક પાણી માહોલ નથી મળતો, એટલે જેટલું થઈ શકે એટલું કરીએ છીએ. નીચે આજ ગરબા છે તો જઈશું રમવા. મેં કીધું આપણે અહીંયા કાંઈ નથી, બધું છે, પણ આપણે ઘરમાં ઘરમાં આપણને ખબર ન પડે ને કે શું કરે છે લોકો, આપણે આપણા ઘરમાં જ છીએ તો એટલે હા નીચે જ ગોઠવી દઈએ. અહીંયા બે મૂકી, બે ઓલપણ મૂકી એમ કરીએ ને. આમ લાઈન કરીએ આમ. રેડી હે? ના ના, કેટલું ભલે રીડ ખાટું રાખે, બહુ પાણી નથી નાખવું. હજી સેજ નાખી રાખું, થોડું કાઢ નાખો. કાકું સારું છે, અલતા જેવું લાગે છે, હે ને? આ છે ને મમ્મીના કાકી ગયા હતા જાત્રામાં, એને પૂછ્યું.